करेंसी नोट हम सबकी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा है। 1 रुपी to 2,000 रुपी, दैट मीन्स 1 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक की करेंसी नोट की अपनी पहचान है, खासियत है, कीमत है। आपने अक्सर नोटों पर यह लिखा हुआ देखा होगा, मैं धारक को रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। इस लाइन में खाली जगह पर उतने रुपए लिखे होते हैं जितने रुपए की वह नोट होती है। लेकिन हर नोट पर ऐसा लिखने का आखिर क्या मतलब होता है? आखिर नोटों पर यह क्यों लिखा जाता है? अगर अभी तक आपको भी नहीं पता है तो चिंता मत कीजिए, हम आज आपको इस बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। करेंसी नोट पर इसे लिखने से देश में इस करेंसी की वैल्यू को लेकर लोगों में एक विश्वास होता है कि कितनी कीमत के लिए वह इस नोट को खर्च कर सकते हैं। यह एक तरह का प्राइमरी सीरी नोट है। इससे करेंसी डॉलर को यह पता चलता है कि यह नोट भारत में कानूनी रूप से मान्य है और जिस व्यक्ति को यह नोट दिया जाएगा उसे नियम अनुसार इस नोट को अपने पास रखने में कोई कानूनी जोखिम नहीं है। नोटों पर लिखा जाने वाला यह प्राइमरी सीरी नोट RBI की ओर से एक तरह का बिना शर्त का वादा होता है कि वो करेंसी डॉलर को इतनी ही रकम देने का उत्तरदायी है। अगर किसी करेंसी पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर के साथ यह प्राइमरी नोट नहीं लिखा होता है तो कोई भी देसी विदेशी व्यक्ति इस करेंसी नोट को स्वीकार करने में संकोच करेगा। इस कारण मैं धारक को रुपए अदा करने का वचन देता हूँ लिखा होता है।